हाय फ्रेंड्स, मैं हरीश। इस वीडियो में आपके लिए कुछ ज़्यादा निवेश और इन्हें कुछ बेसिक चीज़ें बताने के लिए जा रहा हूँ। तो उसके लिए आप इनको फिनों को देखना पड़ेगा, तो मैं आपको इनके फिनों को दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, A5, A4, A3, A3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट CNG, ये सब वोल्टेज आपके लिए दिख रहे हैं। और इस ऑडिनो का मैं किट का नाम भी पढ़ा दूंगा आपके लिए, ये देख सकते हैं आप। देख सकते हैं, और ये आपकी इन और आउट स्पिन्स, और ये अपना ऑडिनो बोर्ड्स। तो ये तो इसकी बेसिक चीज़ें हो गई, और बाकी की ये आपके लिए पिंस दी जाती हैं, इनसे आप आउटपुट निकाल सकते हैं। ऑडिनो एक बेसिक चीज़ मैं आपके लिए उसमें बताता हूँ ना अभी, इससे आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हो, प्रोग्रामिंग आप ऑडिनो केबल के द्वारा डालते हैं। मैं ऑडिनो केबल बताता हूँ आपके लिए, अगर आप इसको इससे चलाएं तो ठीक है, पर अगर आप इसको 12 वोल्ट सप्लाई से चलाना चाहते हैं तो आपके लिए इसकी सप्लाई से मिल सकती है। और ऑडिनो जो रहता है अपना, ये किसी बेसिक चीज़ रहता है, जैसे कि मैं आपके लिए आज समझाता हूँ ऑडिनो के बारे में। तो ये जो अपना ये रहता है ACC 5 वोल्ट, इसमें अपना सेंसर वगैरह चला लगा के, और जैसे अपने लिए अपन ने कुछ भी सेंसर लगाया, और अपन को जैसे अपन ने मोशन सेंसर लगाया, अपन को ऐसा उसमें हाथ रखना है कि कोई भी चीज़ अपने दरवाजे के सामने आए और अपन के लिए पता चल जाए अंदर की LED जलने लगे, तो उस प्रकार से वो LED जलने लगेगी। तो ऑडिनो का ये मतलब है, ऑडिनो एक ऐसी मशीन है जिसमें अपन अपने हिसाब से उसको प्रोग्राम करके चला सकते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग अपन अपने मतलब से रख सकते हैं। तो भाइयों, अगर आप इसको परचेस करेंगे तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इसके लिए मैं अच्छे अच्छे फंक्शंस हैं इसमें, जैसे कि ये जो IC रहती है ये बहुत काफ़ी अच्छी रहती है, और इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी प्रकार की पेन है, 3-4 प्रकार की, यही बहुत अच्छी होती हैं इन आउट स्पिन्स। और पीछे का आप बेसिक देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। इसकी मैं केबल और दिखा देता हूँ आपके लिए, ये इसकी केबल है। तो ये आपको आपको पता ही होगा, ये वाला जो इसका आउटपुट पॉइंट होता है, ये पॉइंट आप इसके ज़रिए इसमें कनेक्ट हो जाता है, और अपने PC में आप इसको ऐसे इसके ज़रिए जोड़ सकते हैं, आप OTG से अपने मोबाइल में भी जोड़ सकते हैं। तो ऑडिनो को तो आप इससे जोड़ लेंगे, मैं आपको एक एक सेंसर भी दिखाता हूँ, IR सेंसर। जी आपने कभी प्रोजेक्ट बनाया होगा ऑडिनो का तो IR सेंसर तो देखा ही होगा, ये IR सेंसर होता है। IR सेंसर लाइन फॉलो रोबोट काफ़ी चीज़ें बनाने के लिए काम आता है। IR सेंसर से अपन कर सकते हैं काफ़ी, इसमें लास्ट वाली फिन और उनके लिए प्लस माइनस दिया जाता है, और वो BCC वगैरह से करंट दिया जाता है, तो इससे भी आप काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और मेरे पास फिलहाल और कोई सेंसर नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, क्योंकि मैंने आपके इसके लिए बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपके लिए। ऑडिनो में बेसिक काम ये रहता है, जैसे कि आपने जो इसके, जैसे कि ये आपका ऑडिनो बोर्ड है, ये आपकी इनपुट पिन है। इनपुट मतलब इसके अंदर आप कुछ भी बेसिक लगा सकते हैं, जैसे कि आपका ये सेंसर है तो आपने इसके लिए इन लगाया कि आपको, और आपने इसमें प्रोग्रामिंग कर दी। अब जैसे कि मैं इस पर कोई ब्लैक चीज़ रखूँगा तो ये सेंसर उसके लिए कन्वर्ट करेगा, और सेंसर कन्वर्ट